फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, एक्चुअली आज मैं आप लोगों से जो बातें बताने वाली हूँ या जो शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बिहार में टेट के एग्ज़ाम पहले भी हुए हैं और बीच में 2017 में भी हो चुके हैं, लेकिन ये भी जानते हैं हम लोग कि उसके अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज नहीं आ रही है, उन लोग की बहाली जो है वो नहीं की जा रही है। अब क्यों नहीं की जा रही है, इसके लिए तो कोई आंसर नहीं है। हाँ, उसके लिए अतिथि शिक्षक जैसे गेस्ट टीचर की बहाली कर ली गई, उसकी बहाली की प्रक्रिया इतनी तेज़ हुई कि अब वो अंतिम चरण में है, लगभग वो कंप्लीट है। लेकिन बिहार टेट का एग्ज़ाम ले लिया गया है, रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा आंदोलन करने पे निकाल दिया गया, रिज़ल्ट भी आ गया, मार्कशीट भी सबको मिल चुका है, बट बहाली के लिए अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो टीईटी बहाली के लिए कि टीईटी के जो भी अभ्यर्थी पास आउट है, जो कि पास किए हैं, उनकी बहाली के लिए बहुत सारे आंदोलन किए जा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके बस इस बात को टाले जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने भी बीटेट कंप्लीट किया है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो इसमें आगे आएँ और आकर के सरकार को बोले कि बहाली लीजिए। अदरवाइज 2012 के जितने भी कैंडिडेट थे पास आउट, उनका जिस तरह से रिज़ल्ट बेकार चला गया, उनका जैसे वो बेकार हो गया, उसी तरह से बाकी और कैंडिडेट्स आप लोगों का भी हो जाएगा। तो आप लोग आगे आइए और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, क्योंकि अकेले जो है कुछ लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। जब आप लोग साथ में आएंगे तो गवर्नमेंट सुनेगी भी, आप जानते हैं इस बात को। तो सब लोग साथ में आकर के बहाली की प्रक्रिया को है जो है वो तेज़ कीजिए, सरकार को बोलिए निकालने के लिए। बहुत सारे न्यूज़ में आ रहे हैं कि बहाली नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, कोई जो वैलिड रीज़न बताया जाए, अगर बोला जाए तो नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कटआउट जो है जो आपके स्क्रीन पर अभी आ रहे होंगे, उसमें देख लीजिए कि किस तरह से सरकार जो है वो नाइंसाफ़ी कर रही है, किस तरह से सरकार जो है दोहरी नीति अपना रही है। जैसे कि बोल रही है कि अभी बहाली की कोई ये नहीं है, सूचना नहीं है, ये नहीं कर सकते। वैसे अतिथि शिक्षक की बहाली इतनी तेज़ी से हुई कि आज कंप्लीट है, 4 or 5 months में टोटली कंप्लीट हो चुकी, कहाँ पे क्या वैकेंसीज है सब कुछ ले करके सारा कंप्लीट कर दिया गया, लेकिन जो टीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसके लिए आगे आना ही होगा, क्योंकि बिना आगे आए ये कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए आप, मैं बोलूँगी आप लोग, आप लोग सब लोग साथ में इस आंदोलन को जो है वो तेज कीजिए। इस न्यूज़ पे मैं अब नज़र बनाए रखी हूँ, इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं डेफ़िनेटली आप लोग को दूँगी, लेकिन आप लोग को साथ में जो है ये आंदोलन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल है जो है आप लोगों के बेनिफिट के लिए बना है। तो फिर मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।